पूरी एशिया में पहली ट्रेन इस देश में अगर कहीं चली तो वो उस वक्त की विक्टोरिया टर्मिनस से ठाणा पे चली 1853। ट्रेन जिसने शुरू करी उनका नाम है जगन्नाथ शंकर सेठ। जीआईपी रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला। 1853 में इस देश में जो ट्रेन शुरू हुई उसका कहीं जिक्र नहीं। संसद में मॉनसून सत्र जारी है। इस दौरान लोकसभा में रेल मंत्रालय के नियंत्रणधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा हुई। इस दौरान शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद गणपत सावंत ने कहा कि पूरे एशिया में सबसे पहली ट्रेन 1853 में विक्टोरिया टर्मिनस से ठाणे तक चली और इसे जगन्नाथ शंकर सेठ ने शुरू करवाई थी, लेकिन इसका कहीं जिक्र नहीं है। पिछले 10 साल से मैं मांग कर रहा हूँ कि स्वर्गीय जगन्नाथ शंकर सेठ का नाम मुंबई सेंट्रल को दिया जाए। मैं इसकी मांग करते करते थक गया हूँ। वहीं अरविंद सावंत ने आगे क्या कुछ कहा, देखिए वीडियो। इस देश में, पूर्व हिंदुस्तान में, पूरी एशिया में पहली ट्रेन इस देश में अगर कहीं चली तो वो उस वक्त की विक्टोरिया टर्मिनस से ठाणा पे चली 1853। और ट्रेन जिसने शुरू करी उनका नाम है जगन्नाथ शंकर सेठ। जीआईपी रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला। वो रेल शुरू हुई 1853 में। ये जीआईपी रेल का ऑफिस भी नाना शंकर सेठ जी ने अपने बंगलों में घर शुरू कर दिया। आपके भाषण में यहाँ उल्लेख है इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में शुरू हुई, लेकिन 1853 में इस देश में जो ट्रेन शुरू हुई उसका कहीं जिक्र नहीं। मुझे दर्द है, दुख है, मैं व्यथित हूँ। पिछले 10 वर्ष से मैं मांग करते आया हूँ कि स्वर्गीय नाना शंकर सेठ जी का नाम मुंबई सेंट्रल के स्टेशन को दिया जाए। नाना शंकर सेठ जिन्होंने इस देश में रेल लाई, अपनी जमीन दी। आप मुंबई में कभी गए होंगे तो रानी बाग, जे स्कूल ऑफ पार्ट, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज, एल पिस्टन स्कूल, एल पिस्टन कॉलेज, ये सारा नाना शंकर सेठ की तिथि नहीं दे नहीं। उन्हें मुंबई में आद्य शिल्पकार कहते, प्रगति का, समाज सुधार का। वो नाना शंकर सेठ जी का नाम मांग करते करते थक गया हूँ। इतने छोटे दिल के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, भूल गए वाजपेयी जी की बात, छोटे मन से आदमी बड़ा नहीं होता। 10 वर्ष कोई राजनीति की बात नहीं सर। जिस शख्स ने इस देश में रेल शुरू की उसका नाम आज तक नहीं दे पाए। हाल ही में उस विक्टोरिया टर्मिनस का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हुआ। आप अगर मुंबई में जाओगे तो वीटी स्टेशन कहते थे पहले, अभी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है। शाम को बहुत खूबसूरत किया जाता है, आजकल ब्यूटिफिकेशन बहुत अच्छा कर रहे हैं रेल, जो अच्छा है उसको अच्छा कहूँगा, बहुत खूबसूरत दिखता है। मैं मांग करता रहा, अभी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस नाम दिया है, मैंने मॉडल भी दिया कि छत्रपति शिवाजी महाराज सिंहासन पर विराजमान बैठे है, ऐसा ज़्यादा ऊँचा नहीं करना, उस इमारत को शोभा देगी, उसकी शोभा और बढ़ाएगी। वो पुतला वहाँ खड़ा करे, इन्होंने पता नहीं एक पुतला बनाया था, अभी भी पड़ा हुआ है उनके, वो भी नहीं लगाया। अब छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते, भारतीय जनता पार्टी तो घोषणा देती है, उस दिन भी मैंने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद भाजपा के साथ, तो पुतला बनाओ ना भैया, क्यों नहीं कर रहे आप। मैं माननीय मंत्री जी से कहता हूँ, वैष्णव जन तो तेड़े कहिए पीड़ पर आई जाने रे, ये पीड़ा है हमारी, हमें मांग करनी पड़ती है, वो भी हमारे शर्मनाक रहे। बिना मांगे करना चाहिए, नाना शंकर सेठ जी का नाम देने के बिना मांगे होना चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टेचू बिना मांगे होना चाहिए। मांग करने पर भी आप करते नहीं हो, ये आपके लिए कोई भूषण बात नहीं है सर। और एक बात है, रेल में बहुत सारी रेल की सेवाएं मांगती है, लैंड पॉलिसी, ये इस सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सिर्फ रेल की बात नहीं है, सरकारी उद्यमों की भी बात है। इनके पास लैंड है, एनटीसी की लैंड है, रेल की लैंड है, बहुत सारी बीपीडी की लैंड है, ये सारी लैंड पड़ी हुई है, एनक्रोचमेंट हुआ है। हाल ही में बरसात में सरकार ने कोर्ट ने कहा किसी की झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़नी नहीं है। परेल में 25-30 बरस से लोगों के घर थे, वो तोड़ दिए इनके अधिकारियों ने।
सारे अधिकारी गायब, मैं फोन कर रहा हूँ, भैया बारिश में तो मत तोड़ो, कोर्ट के आदेश है नहीं तोड़ना है, तोड़ दिया। इतना इनह्यूमन, इस तरह से आप बर्ताव करते हो? तभी तो इतना सब एक्सीडेंट हो रहे, तो कुछ दर्द नहीं होता आपको? इतने सारे 6 जून मुझे 2023 296 लोग कि वो लोगों की मृत्यु हुई, ये कोई फिदर इनके आप नहीं है आपके लिए। कवच कहाँ है? कवच तो इनको है, उनको नहीं। कवच गए, कवच लाया था ना, एक्सीडेंट अभी भी रोक नहीं पा रहे आप।